नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार सिंह। आपका स्वागत है एजुकेशनल एक्सपर्टीज पे, जहां हम भूगोल के बहुत सारी जानकारियों से आपका परिचय करवाते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है बच्चों, वो है ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स की, यानी जो ग्लेशियर्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स होते हैं या वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं। देखिए, ग्लेशियर जो है वो भी एक एक्टिव रीजन है अपरदन का और निक्षेपण का। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, द ग्लेशियर इज मूविंग मास ऑफ आइस एंड स्पीड एवरेजिंग फ्यू मीटर्स। देखिए होता क्या है कि जो बर्फ होती है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके माउंटेन के टॉप पे पाई जाती है। तो होता क्या है कि वहां पे जब आइस की शीट क्या होती है, उसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता चला जाता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो आइस की एक शीट है वो नीचे की ओर लुढ़कना शुरू करती है, जिसकी वजह से उसके साइड में या उसकी सतह पर जितने भी आपकी चट्टाने होंगी वो क्या होंगी, अपरदित होना शुरू हो जाएंगे, यानी उनका इरोजन होना शुरू हो जाएगा और वो सारा जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, इसी आई ग्लेशियर्स के अंदर मिक्स हो जाएगा और वो धीरे धीरे क्या होगा, आगे की तरफ चलता जाएगा। अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें तो ये आपके तीन तरीके के पाए जाते हैं, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स और आइस कैप्स जो पहाड़ों के टॉप पर होता है, फिर पीडमोंट ग्लेशियर्स, देन वैली ग्लेशियर्स। ठीक है, तो चार तरीके के आपके ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स की, तो आपके कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स जो है वो अंटार्कटिका में और ग्रीनलैंड में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है वो बिगेस्ट कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, फिर हम आइस कैप्स की अगर बात करें तो माउंटेन्स की जो सबसे ऊंचा वाला हिस्सा होता है, जो कि कोनिकल शेप का होता है, यहाँ पर जो होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आइस कैप्स के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं पिडमोंट ग्लेशियर्स की, तो पिडमोंट ग्लेशियर्स वो होते हैं जो माउंटेन के बेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, यानी माउंटेन्स के गिरिपादों के ऊपर जो ग्लेशियर पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पिडमोंट ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, जो कि साउथ अलास्का में सबसे ज्यादा आपका देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं वैली ग्लेशियर्स की, तो वैली ग्लेशियर्स वो होते हैं जो माउंटेन की वैलीज के बीच में पाए जाते हैं, यानी घाटियों में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स को हम क्या कहते हैं, वैली ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं लार्जेस्ट ऑफ इंडियन ग्लेशियर, तो भारत के जो सबसे बड़े जो ग्लेशियर्स हैं वो आपकी कराकोरम रेंज में पाए जाते हैं, यानी कराकोरम श्रेणी में जो है वो आपके पाए जाते हैं, जिसमें नंबर वन आता है आपका सियाचिन, जो कि 72 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और यहीं से और हिमालय के कई सारे ग्लेशियर्स से, लाइक गंगोत्री जो ग्लेशियर्स है वहाँ से क्या होता है, आपकी गंगा नदी का उद्गम स्थल है आपका। फिर हम यमुनोत्री का बात करें तो यमुनोत्री से कौन सी, यमुना नदी का उद्गम स्थल है। तो ये सब क्या होती है, यहाँ से तो एक तो नदियाँ भी, ये जो रिवर के सोर्स भी होते हैं, नदियों के स्रोत भी होते हैं, और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, ग्लेशियर इरोजन जैसी एक्टिविटी भी करते हैं, और अपने साथ साथ क्या लगते हैं, घाटियों से नीचे होते हुए अपने साथ साथ जो अपरदित पदार्थ होता है उसको भी क्या करते हैं, नीचे की तरफ ये लेके आते हैं। ठीक है, और उससे बहुत सारे जो आपके फीचर्स हैं उनका निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इरोजनल ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स की, यानी अपरदन की वजह से जो ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है अरेते का। तो आप देख सकते हैं अरेते जो होता है वो माउंटेन का टॉप होता है, यहाँ पर क्या होता है, ग्लेशियर होते हैं, वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, नीचे की तरफ मूव करते हैं। और देखिए ये जो छोटे छोटे आप टुकड़े देख पा रहे हैं, ये टुकड़े किस चीज़ के हैं, ये टुकड़े क्या होते हैं, ग्लेशियर्स जो हैं वो अपने साथ यहाँ की चट्टानों को तोड़ना शुरू कर देते हैं और एक धार नुमा शेप का निर्माण करते हैं माउंटेन्स के ऊपर, जो कि आपको ज़्यादातर माउंटेन्स में ऐसी ही शेप देखने को मिलती है, ये एक इरोजनल फीचर है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सर्क की और कौरी की। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है सर्क का जो दूसरा नाम क्या है वो कौरी है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो देखिए जब माउंटेन्स से हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लेशियर का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का जो हिस्सा होता है वो धंस चला जाता है, और ये आपको बिल्कुल आर्म चेयर की लगेगा, आर्म चेयर की तरह लगेगा। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा फीचर है जो कि आर्म चेयर के नाम से भी जाना जाता है, तो वो है कोरी। ठीक है, होता क्या है कि अब देखिए
इरोजन यहाँ से ग्लेशियर क्या करेगा, इरोजन करेगा, अब ये कॉन्टिन्यूसली यहाँ भी इरोजन करेगा और जब इधर से मूव करेगा तो यहाँ भी, यानी सतह पे क्या करेगा, कॉन्टिन्यूसली इरोजन करेगा और ये जो सतह है वो क्या होगी, नीचे की तरफ चलती जाएगी। और यहाँ पर जब इरोजन करेगा तो यहाँ पर जो आपका ग्लेशियर का जो दबाव है वो भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो टूट फूट होती है वो भी आपकी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हम इसको जोन ऑफ प्लकिंग भी कहते हैं। प्लकिंग का मतलब होता है कि ये चट्टानों को उखाड़ देती है। अब जब ये चट्टानों को उखाड़ देते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्लकिंग कहते हैं। फिर हम बात करते हैं जोन ऑफ अब्रेशन। जोन ऑफ अब्रेशन का मतलब ये होता है घिसाव बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्लेशियर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से सतह के ऊपर जो घिसाव होगा वो बहुत ज्यादा होगा। फिर हम बात करते हैं बर्स्ट बर्स्ट करंट की। तो ये जो होते हैं यहाँ, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये टूटन होती है जो कि ग्लेशियर्स के ऊपर आपकी पाई जाती है, और बहुत सारे क्रैक्स जो हैं वो आपके ग्लेशियर्स पे बन जाते हैं, उन्हीं को हम बर्ग्स करंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा अगला पॉइंट है वो है हॉर्न। अब हॉर्न क्या होते हैं, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले अरेते के बारे में पढ़ा था। तो अरेते जो होते हैं वो एक कोनिकल शेप जो बनाते हैं वो है, बट जो माउंटेन का टॉप हिस्सा होता है जहां से ग्लेशियर मूव करना स्टार्ट करता है, तो वहां पर जो है इरोजन सबसे पहले करता है, तो और वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपका क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रेविटेशनल जो एक्टिविटी होती है वो माउंटेन के दो साइड में ज्यादा होती है, यानी नॉर्थ साइड में भी आपकी ज्यादा होगी और साउथ साइड में भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से वो क्या होता है, हॉर्न की तरह एक शेप क्या होता है, उसका निर्माण करता है ग्लेशियर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यू शेप्ड वैली की। तो देखिए यू शेप्ड वैली का निर्माण कैसे होता है, जब नदियाँ वी शेप्ड वैली का निर्माण करती हैं तो जब इसी वी शेप्ड वैली से ग्लेशियर आना शुरू करता है तो क्या होता है, वो लंबवत अपरदन तो करता नहीं, वो क्या करता है, साइड के चट्टानों को तोड़ना शुरू कर देता है, यानी ये जो साइड की चट्टाने हैं इनको क्या करना है, अब्रेज यानी इनको उखाड़ना शुरू करता है, जिसकी वजह से ये जो वी शेप्ड वैली थी वो आज किस वैली में चेंज हो जाती है, यू शेप्ड वैली में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हैंगिंग वैली की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। देखिए होता क्या है कि रिवर जो है वो कहाँ से, माउंटेन से ही फ्लो करना शुरू करती है, तो जब टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो ये जो रिवर है वो क्या हो जाती है, जम जाती है, और जब ये रिवर जम जाती है और घाटियों में गिरती है तो ऐसा लगता है कि ये लटक रही है। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम लटकती हुई घाटियां कहते हैं या हैंगिंग वैली के नाम से जानते हैं। अब जो हमारा अगला फीचर है वो है फिजॉर्ड। बेसिकली फिजॉर्ड कहाँ पर पाया जाता है, ये वहाँ पाया जाता है जहाँ पर समुद्र हमारे तटीय क्षेत्रों से मिलता है। फिजॉर्ड्स जो हैं, होता क्या है कि मान लीजिए कि ग्लेशियर जो है वो यहाँ तक बहुत करोड़ों साल पहले ये वाला जो पार्ट है इरोड, उसने इरोजन किया हो, बट आज क्या हो गया है कि इसी माउथ में क्या हो गया है, वाटर जो है वो एंटर कर चुका है। ठीक है, जो कि कोस्ट के अंदर वाटर एंटर कर चुका है, क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा था, होता है या तो अपलिफ्टमेंट हो रही है या तो सबमर्जेंस हो रहा है, तो जब आइस एज होगी तो आइस एज पे क्या होगा, यहाँ पे इरोजन बहुत हुआ होगा। अब जब हमारी नॉर्म अब जो टाइम चल रहा है तो अब क्या हुआ, वो आइस एज की सारी बर्फ पिघल गई, अब वहां पर जो इरोजनल फीचर बना तो ये जो आपका एंटर है ओशियन का जो वाटर है वो क्या हो जाता है, आपका कोस्टल एरिया में एंटर करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो यू शेप्ड घाटी का निर्माण किया, किसने किया, ग्लेशियर्स ने किया, अब बहुत करोड़ों सालों पहले किया, तो आज ये क्या हो गया, नमक सॉरी समुद्र के पानी से आज ये जो एरिया है जो जो कि आपके समुद्र के पास है ये भर गए हैं, जिनको हम फिजॉर्ड के नाम से जानते हैं, जो कि नॉर्वे में, ग्रीनलैंड में और न्यूजीलैंड में सबसे कॉमन पाए जाने वाले फीचर्स हैं। तो ये एक स्टीप साइडेड नैरो एंट्रेंस लाइक फीचर्स होता है जो कि कोस्ट पर आपका पाया जाता है, जहाँ पे कोई स्ट्रीम जो है वो कोस्ट से क्या करती है, मीट करती है, मिलती है। अगला जो फीचर है वो है आउटवॉश प्लेन। अब देखिए इट इज फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर। होता क्या है, मैंने भी आपको बताया, जब ग्लेशियर चलना शुरू करता है तो वो बहुत ज़्यादा अपरदन भी करता है और अपक्षय भी करता है, तो वो अपने साथ जितना भी कंटेंट है वो क्या कर सकता है, अपने साथ लाना शुरू कर देता है, और एंड में आके वो क्या हो जाता है, मेल्ट यानी पिघल जाता है, और वहाँ से बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो फ्लो करना शुरू करती हैं। तो जब ये पिघल जाता है तो वो क्या करता है, अपने साथ लाए हुए अवसादों को कहाँ, रास्ते में, साइड में, कहीं भी छोड़ना शुरू कर देता है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आउटवॉश प्लेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला जो है वो है एस्कर।
ये बच्चों डिपोजिशनल फीचर है, याद रखेगा, जो आपका आउटवॉश और आउटवॉश जो मैदान है और जो आपके एस्कर हैं, ये एक डिपोजिशनल फीचर्स हैं। तो एस्कर्स जो होते हैं वाइडिंग रिजेस, डिपोजिशनल ऑफ रॉक ग्रेवल्स क्ले, तो ये एक रिज की तरह होते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके अंदर आपके ग्रेवल्स ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर क्ले भी पाई जाती है। तो ये क्या करते हैं, ग्लेशियर्स अपने साथ इन सारे कंपोनेंट को इरोड करके लाता है और एक विशेष जगह पर क्या कर देता है, जमा कर देता है, जिससे एस्कर का निर्माण होता है, ठीक है। तो एस्कर एक तटबंध की तरह होता है जो कि बिल्कुल मतलब तटबंध की तरह मिलता जुलता लगता है, और आप अगर इसे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक सड़क सी जा रही है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ड्रमलिन की। ड्रमलिन एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है। तो होता क्या है कि जब यह आउटवॉश मैदान में गोल शिला खंडों का संग्रह है, तो होता है क्या है कि जब आउटवॉश मैदान का निर्माण होता है तो जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में डिपॉजिट हो जाता है, बट फिर भी क्या होता है, ग्लेशियर क्या होता है, आगे की तरफ मूव करता रहता है। अब जब वो आगे की तरफ मूव करता रहता है तो इस वाले पार्ट में क्या होगा, इरोजन बहुत ज्यादा करेगा। अब जब यहाँ पहुंचेगा तो उसका वजन जो है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, तो यहाँ की रॉक क्या हो जाएगी, टूटना शुरू कर देगी, यानी ग्लेशियर में प्लकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी से क्या होता है, ड्रमलिन्स का निर्माण होता है। ये बिल्कुल आपको उल्टी टोकरी की तरह लगेंगे, जैसे टोकरी ऐसे होती है तो ये आपको ऐसे फीचर्स मिलेंगे। यहाँ क्या होता है, जो भी कंटेंट होगा यहाँ पर जमना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर जमना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका निर्माण होता है। तो ये जो है ड्रमलिन्स है वो आउटवॉश के मैदान की मदद से ही बनते हैं, बट आउटवॉश जो मैदान है वो आपके बहुत बड़े एरिया में फैल के बनते हैं। बट अगर हम ड्रमलिन्स की बात करें तो ड्रमलिन्स क्या होता है, ये बिल्कुल आपकी उल्टी टोकरी की तरह इनकी क्या होती है, शेप होती है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा जो है आपके क्या कहते हैं अवसाद जो है वो जमा हो जाते हैं। तो ये एग बास्केट जैसी टॉपोग्राफी लगती है। तो एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है कि वो कौन से फीचर्स हैं जो एग बास्केट की तरह लगता है, तो वो एक ड्रमलिन है, ओके। फिर हम बात करते हैं कैटल होल्स, ठीक है। तो कैटल होल्स क्या होते हैं, तो इनका निर्माण क्या होता है, शिलाखंडों और चट्टानों को तोड़ने से होता है। तो अभी क्या होता है, देखिए जब यहाँ से ग्लेशियर जा रहा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक बड़ा चट्टान का टुकड़ा होगा, तो इस वाले पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा, उसने क्या क्या होगा, ग्लेशियर क्या करता है, ग्लेशियर उखाड़ता है, प्लकिंग करता है, बड़े बड़े पत्थरों चट्टानों को तोड़कर उसे उखाड़ के अपने साथ ले जाता है। तो कुछ इस प्रकार के गड्ढों का निर्माण होता है जिसको हम कैटल होल्स के नाम से जानते हैं। फिर हम बात करते हैं कैम टेरेसेस क्या होते हैं। तो बेसिकली कैम टेरेसेस वो होते हैं जी, ये ब्रोकन रिजेस होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक रिज होगा, अब यहाँ से टूट गया तो यहाँ एक छोटा सा बन गया, यहाँ से टूट गया तो एक यहाँ छोटा सा बन गया, यहाँ से टूट गया तो एक यहाँ छोटा सा बन गया। तो ये क्या होता है, एक मतलब एक सीधी रेखा में ना बन के ये बीच बीच में क्या है, डिसकंटिन्यूट है, यानी टूटा हुआ क्या है, कूबड़ है। यहाँ पर क्या पता, यहाँ पे आपका जमा हो जाए, यहाँ पर अवसाद जमा हो जाए, यहाँ पे जमा हो जाए। तो ये केम टेरेसेस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। फिर हम बात करते हैं कैटल लेक की। तो वो जो कैटल आपके जो कैटल ये जो था आपका कैटल होल्स जो हैं, कब अब कैटल होल्स में जो आइस होती है वो पिघल जाती है, तो फिर उसको हम कैटल लेक के नाम से जानना शुरू करते हैं। फिर हम बात करते हैं मोरेन यानी हिमोड़। तो मोरेन होते क्या है बच्चों आखिरकार, तो जनरल टर्म में अगर बात करें तो रॉक के जो चट्टानों के टुकड़े होते हैं, जो आपकी बजरी होती है, जो रेत होती है, वो ग्लेशियर्स अपने साथ लाती हैं और वो अपने साथ एक विशेष पोजीशन में इनको जमा करना शुरू करती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि जब अवसाद यहां पर जमा होना शुरू हो जाए तो इनको हम पार्श्विक यानी लेटरल हिमोड कहेंगे, मोरेन कहेंगे, और अगर वो इस वाले बीच वाले पार्ट में जमा करना शुरू कर दिए तो इसको बेडियल मोरेन के नाम से जानेंगे। अब जब सारा मटेरियल एंड में जमा हो जाता है, एंड में तो जमा ही होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर ग्लेशियर पिघल जाएगा और वहां सारा जो सारा आपका अवसाद है वो एकत्रित हो जाएगा। तो ये क्या होता है, टर्मिनल डिपॉजिट मोरेन के नाम से जाना जाता है। तो आपके एग्जाम्स में इन तीनों में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो लेटरल इरोजन जो होते हैं वो जो माउंटेन है उसके साइड वाली साइड में होता है, जो मिडीवल मोरेन होते हैं वो बेसिकली टर्मिनल मोरेन्स को और लेटरल मोरेन्स को जोड़ने का काम करते हैं। Fearless.